हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन के एक और पार्ट इक्वेशन बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसका अध्ययन करेंगे। यानी कि ऑक्सीकरण अंक विधि से रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैंने लिखा है Cr2O7-2 प्लस SO3-2 और ये चेंज हो रहा है Cr+3 में प्लस सल्फेट आयन SO4-2। इसको अपन देखेंगे एसिडिक मीडियम में, मतलब अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग प्रकार से इनको पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस मेथड के द्वारा अपन बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ जो क्रोमियम है, उस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 6। उसके बाद में जो सल्फेट है, उस सल्फेट का यहाँ पर जो सॉरी सल्फाइट जो आयन है उसका कितना है, उसका है +4। यहाँ जो सल्फेट है उसमें ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 है तो -2, मतलब माइनस का 8, -2 पर शेष है, तो यहाँ पर इसका कितना लिख दूंगा मैं, प्लस है। और यहाँ जो क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर कितना है, क्रोमियम के ऊपर कितना रहा अपना, क्रोमियम के ऊपर +3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ +3। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो दो क्रोमियम है, वो दो क्रोमियम, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, तो और दूसरे जो क्रोमियम है उसका कितना है, +3। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि एक क्रोमियम के कारण +3 की कमी हो रही है, +3 जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो दो क्रोमियम में कितना कम होगा, 6। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये कितना कम हो रहा है, यहां 6 की कमी, यहां पर लिख दिया मैंने 6 की कमी। उसके बाद में अगर इस दूसरे वाली रिएक्शन को मैं देखूं, तो इस दूसरे वाली में यहां पर देखो ये +4 है और ये चेंज हो रहा है +6 में, यानी यहां पर क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 की वृद्धि, इंक्रीज। ठीक है, अब 6 कम है, 2 बढ़ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। अब यहां पर जो +6 से +3 है, तो ये जो पार्ट है वो किसका है, रिडक्शन का पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, ऑक्सीडेशन का पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर हाफ रिडक्शन इसको लिख लेता हूं, हाफ रिडक्शन, तो यहां आ जाएगा अपना Cr2O7-2 और ये चेंज हो रहा है Cr+3, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से। ठीक है, और नीचे वाली जो समीकरण है वो क्या है, SO3-2 और ये चेंज हो रहा है SO4-2, तो ये क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं नीचे, इनको जोड़ करके मैं लिखूंगा यहां Cr2O7-2 प्लस SO3-2 चेंज हो रहा है Cr+3 प्लस SO4-2। अब यहां पर अपन देखेंगे कि यहां टोटल जो चार्ज है वो कितना है। मैंने ऊपर बताया कि 6 की कमी और 2 की वृद्धि, तो ये जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो क्या कहता है कि कमी और वृद्धि, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए। अर्थात ऑक्सीकरण अंक में जितनी कमी हो रही है उतनी ही क्या होनी चाहिए, मतलब वृद्धि होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बराबर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, यानी ऑक्सीकरण अंक में जितनी कमी उतनी ही क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां 6 की कमी है और 2 की वृद्धि है, तो क्या करेंगे, कमी और वृद्धि को बराबर करने के लिए इसे SO3-2 और SO4-2 चेंज हो रहा है, इसको मैं कितने से गुणा कर दूंगा, 3 से गुणा कर दूंगा।
तो इस समीकरण को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी कितना जाएगा अपना 3, और यहां पर भी कितना जाएगा 3। अब नीचे इसका टोटल कर लेते हैं। नीचे जैसे इसका टोटल करते हैं तो अपने पास में यहां आवेश देखते हैं, यहां आवेश कितना है, माइनस का 2 ऊपर है, ये माइनस का 2 है, 3 से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 6 है, और इस तरफ कितना है प्लस का, यानी 2 से मल्टीप्लाई है, ऊपर प्लस का 3 है, प्लस 6, और यहां ऊपर भी माइनस का 2 है, 3 से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 6, मतलब ये तो इक्वल है, दोनों प्लस और माइनस है एक ही तरफ है तो ये तो इक्वल है। इस तरफ अपन देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में कितना है प्लस का 8, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो क्या करेंगे, अभिक्रिया जो है अपने को दे रखी है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो क्या करते हैं अपन कि जो जितना निगेटिव इधर माइनस का 8 बाएं सेल में है तो अपन क्या करेंगे, यहां पर अम्लीय माध्यम में होने के कारण उतने ही अपन एच प्लस आयन जोड़ देते हैं ताकि माइनस का 8 है वो प्लस 8 से बराबर हो जाए। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देखो इसको मैं आगे ले लेता हूं, तो जो अपना आया था वो पीछे क्या आया, वो आया अपना Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3SO3 माइनस 2, ये चेंज हो रहा है 2Cr प्लस 3 में, प्लस प्लस का आ जाएगा अपना 3SO4 माइनस 2। तो इस तरफ मैंने क्या लिखा, इधर कितना था माइनस का 2, इधर कितना था माइनस का 6, मतलब माइनस का इस तरफ कितना है 8। तो अपन क्या करते हैं इधर यहां पर अपन 8H प्लस आयन जोड़ देते हैं। तो जैसे अपन 8H प्लस आयन जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3SO3 माइनस 2 प्लस 8H प्लस, ठीक है। ये इसके बाद में मैं लिख दूंगा 2Cr प्लस 3 और उसके बाद प्लस 3SO4 माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहां पर इस पार्ट में अपने पास में किनकी संख्या बढ़ जाती है, इस पार्ट में अपने पास में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां अपन देख पा रहे हैं कि दाईं तरफ अपने पास में यानी राइट हैंड साइड की ओर अपने पास में हाइड्रोजन कम है, तो कितने हाइड्रोजन कम है 8, तो मैं यहां पर 4 वाटर के अणु जोड़ देता हूं, ठीक है। अब अपन नीचे इसका टोटल कर लेते हैं एक बार वापिस कि अपने पास में ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित है कि नहीं। तो यहां पर देखेंगे आप क्रोमियम 2 है, उधर भी क्रोमियम 2 है, सल्फर 3 है, सल्फर भी इधर 3 है, हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, उसके बाद में ऑक्सीजन है अपने पास में 7 और 3 9, तो 9 और 7 इधर कितने हो गए 16, यहां पर 4 3 12 और 4 16, मतलब प्रत्येक जो एलिमेंट है मतलब क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, वो सारा क्या है अपना बैलेंस है। अब मैं इस तरफ का चार्ज और देख लेता हूं, Cr2O7 माइनस 2 के ऊपर माइनस 2, यहां ऊपर माइनस 2 है, 3 से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 6, इधर कितना है प्लस का 8, और इस तरफ कितना है प्लस का 6, और इधर कितना है माइनस का 6, तो इधर प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों बराबर, इस तरफ 0 है, इधर माइनस 2 और माइनस 6 कितने हो गए माइनस के 8, इनको बैलेंस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से अपन इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगली रिएक्शन बताऊंगा।